नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मनीष कुमार, टीचर इंस्ट्रक्टर, मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज चैप्टर 4 फिटर ट्रेड ट्रेड थ्योरी के बारे में। चैप्टर 4 में क्या दिया गया है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन में, कार्यशाला में कार्य करते समय जॉब या कार्य की माप जानना अति आवश्यक है, जिससे कार्यकर अपनी कार्य कुशलता के अनुसार सही औजारों का प्रयोग करके जॉब को साइज और आकार में बनाते हैं। वर्कशॉप में अगर जॉब बनाना है तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का जानकारी लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए टूल्स के बारे में, कौन टूल्स का इस्तेमाल मार्किंग का होता है या चेक करने को होता है, उसके बारे में बताना है। जैसे एक जॉब वर्कशॉप में बनाना है, इस प्रकार से जॉब दिया रहेगा, ठीक। इसका है 50 mm और इसका है 50 mm और इसका जो दूरी है आपका जो अंदर गया है वो आपका 20 mm। तो इस प्रकार से जॉब को बनाने के लिए हमको क्या क्या करना होगा, उसके इंस्ट्रूमेंट में कैसे क्या करना होगा, उसके बारे में जानकारी होगा। जैसे यहां दिया गया है, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, माप मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की होती है, लाइनर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, उसके बाद रेडियल मेजरमेंट, प्लेन सरफेस मेजरमेंट। सबसे पहले क्या देखेंगे, लाइनियर मेजरमेंट। लाइनियर मेजरमेंट क्या होता है, जो माप सीधी रेखा में मापी जाती है उसे लीनियर माप कहते हैं। इस प्रकार की मापे प्रायः स्टील रूल, कैलिपर्स, माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर आदि से मापी जाती है। अगर सीधी रेखा में हमको मार्किंग करना है तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का लेंगे। जैसे दिखाते हैं इंस्ट्रूमेंट, ये देखिए स्टील रूल। स्टील रूल के द्वारा हम सीधी रेखा का चेक कर सकते हैं। जैसे 50 mm ये दिया गया है ना, ये 50 mm, 50 mm को चेक करना है तो हम स्टील रूल से 50 mm चेक कर सकते हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट है, दिखाते हैं, ये देखिए माइक्रोमीटर। ये है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के द्वारा भी हम किसी भी जॉब का सीधी रेखा को हम चेक कर सकते हैं, ठीक। चेक कर यहां से जब इसको थिंबल घुमाइएगा तो ये आपका एनविल अप डाउन आगे पीछे करेगा, आवश्यकता के अनुसार जॉब को हम चेक कर सकते हैं सीधी रेखा को। और एक इंस्ट्रूमेंट है आपका, ये देखिए वर्नियर हाइट गेज। ये है वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज के द्वारा भी हम सीधी रेखा खींच सकते हैं और इसके द्वारा मार्किंग भी कर सकते हैं, ठीक। सीधी रेखा खींचना होता है तो हम सरफेस प्लेट पर रखते हैं, एंगुलर के द्वारा इसको क्रॉस करते हैं तो हम सीधी रेखा खींच सकते हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट है जो सीधी रेखा खींचने का काम करता है, उसका नाम है, यह है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम सीधी रेखा को हम चेक कर सकते हैं। अगर 60 mm का है तो हम 60 mm का यहां से आराम से लंबाई चेक कर सकते हैं और इसके द्वारा हम गहराई मापते हैं, ठीक। और ये जो स्लाइड ये है आपका इनसाइड भी हम चेक कर सकते हैं। ये तीनों काम करता है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका क्या है, एंगुलर मेजरमेंट। दो सीधी रेखाओं को आपस में क्रॉस करने से जो कोण बनता है उसकी माप को एंगुलर माप कहते हैं। इस प्रकार की मापे प्रायः ट्राई स्क्वायर, एंगल प्रोटेक्टर, वर्नियर लेवल प्रोटेक्टर, साइन बार आदि से मापी जाती है। मतलब एंगुलर में अगर चेक करना है तो किस इंस्ट्रूमेंट का लेंगे। जैसे ये 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री का चेकिंग करना है तो हम कैसे करेंगे, 30 डिग्री का हम एंगुलर मापना है कैसे करेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं आपको, अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखिए यूनिवर्सल लेवल प्रोटेक्टर, इसके द्वारा हम एंगल का माप चेक कर सकते हैं, 20 डिग्री में है, 30 डिग्री में है। इसको जब घुमाइएगा तो इस मैग्नीफाइंग ग्लास में दिखेगा तो आपका यहाँ पे दिखेगा 30 में है कि 60 में है, कितना डिग्री में, ठीक। इसके द्वारा भी हम एंगुलर चेक कर सकते हैं। और एक है इंस्ट्रूमेंट ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के द्वारा भी हम
किसी भी जॉब का 90 डिग्री चेक कर सकते हैं, ट्रांसफर है, ब्लेड है, स्ट्रोक है। उसके बाद देखिए इस प्रकार से जॉब को हम स्ट्रोक में सटाएंगे तो 90 डिग्री आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक, और इस प्रकार से एंगल का मान ले सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट में आपका क्या है, रेडियल मेजरमेंट। रेडियल मेजरमेंट क्या है, किसी जॉब पर गोलाई में माप लेने को रेडियस माप कहते हैं। इस प्रकार की मापें प्रायः रेडियस गेज, रिंग गेज आदि से मापी जाती है। रेडियस गेज, अगर इस प्रकार का जॉब बना है तो हम इसका रेडियस का कैसे मापेंगे, इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है रेडियस गेज या रिंग गेज भी। रिंग गेज के द्वारा भी हम रेडियस मापते हैं। ये देखिए, ये देखिए रेडियस गेज, इसमें विभिन्न प्रकार के मापे दिया रहता है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से इसमें रेडियस, ये देखिए रेडियस का बना हुआ है ना, इस प्रकार से हम रेडियस चेक कर सकते हैं। किसका, इसका, इस रेडियस का। जैसे ये वो लेंगे तो मन के चलिए 1 mm का है, तो इसको 1 mm का चेक करने के लिए थोड़ा बड़ा होगा, इसको रेडियस से हम चेक कर सकते हैं। ये है आपका रेडियस गेज, इसको लगा दीजिएगा तो ये आपको ये बंद हो जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के रेडियस गेज बना हुआ है, ठीक। उसके बाद आप इसके भी द्वारा भी हम रेडियस को, रिंग गेज के द्वारा चेक कर सकते हैं। देखिए रेडियस बना हुआ है, इस प्रकार से रेडियस गेज के द्वारा हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे क्या है, प्लेन सरफेस मेजरमेंट। किसी जॉब की प्लेन सरफेस की समतलता की माप को प्लेन सरफेस की माप कहते हैं। इस प्रकार की मापे प्रायः स्ट्रेट एज, सरफेस प्लेट, सरफेस गेज, डाइट टेस्ट इंडिकेटर आदि से मापी जाती है। मतलब एक जॉब है, ये देखिए लड़का लोग जॉब बनाया है, इस जॉब को हम समतलता को चेक करना है तो हम डाइट टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा हम इसको समतलता आराम से आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं, और स्ट्रेट एज भी के द्वारा भी हम इसको समतलता को चेक कर सकते हैं, ठीक। आज इतना तक ही, नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक बताया जाएगा इसी में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।